हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले हैं एफआई बीकॉम का जो हमारा बेसिक टूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स ये जो सब्जेक्ट है उसका आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 चालू करने वाले हैं, जिसका आज ये लेक्चर नंबर 1 है। एंड मैं आपको पहले ही बता दूं कि हम लोग जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो न्यू सिलेबस आया है 2024 का, उसके हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देन लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैं आपको पहले ही बता दूं कि देखो, आपका बुक के अंदर 2 मॉड्यूल्स है टोटल, जिसका हमने अभी फर्स्ट मॉड्यूल चालू किया है। एंड इसका आज हम लोग जो है फोर्थ चैप्टर जो है वो फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो अपना फोर्थ चैप्टर जो है इक्वेशन, आज मतलब फिनिश नहीं होगा, आज से चालू कर देंगे, ठीक है। तो फोर्थ चैप्टर इक्वेशन है और उसके बाद एक लास्ट चैप्टर बचेगा आइडेंटिटीज का, उसके बाद अपना फर्स्ट मॉड्यूल खत्म हो जाएगा। सो नाउ देखो, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर मीनिंग बताया गया है इक्वेशन का, कि इक्वेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखो, इक्वेशन को जो है हम बेसिकली, इक्वेशन का मतलब होता है कि जब हम लोग एक्सप्रेशंस जो रहते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, उनको मिला देते हैं कुछ नंबर्स कुछ रिटर और वहाँ पर इज इक्वल टू का साइन दे देते तो उसे इक्वेशन बोलते हैं। नहीं समझ आएगा, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, यहाँ पर लिखा है कि इक्वेशन आज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इक्वेशन जो रहते हैं वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रहते हैं जो दिखाते हमको जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं उनके रिलेशनशिप। अब क्या होता है तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, पहली बात आपको एक्सप्रेशन और इक्वेशन के बीच का डिफरेंस बता देता हूँ। एक्सप्रेशन का मतलब होता है, जैसे ये मान लो 2x + 1, ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। एंड 2x + 1 इज इक्वल टू 10, ये जो है ये आपका इक्वेशन है, समझे। तो मतलब ये जो है ये, इसे हम इक्वेशन बोलते हैं और इसे एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो, ये जो एक्सप्रेशन है इसका ही इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर भी, एंड यहाँ पर एक और नंबर है, ये भी एक टाइप से एक्सप्रेशन ही बोला जाएगा। तो मैथमेटिक्स के अंदर जब ऐसे हम पर्टिकुलरली सिर्फ ये रहता है जहाँ पर इज इक्वल टू का साइन नहीं होता है तो उसे एक्सप्रेशन बोला जाता है, जहाँ पर कुछ नंबर्स होते हैं कुछ वेरिएबल्स होते हैं। तो ऐसे टाइम पर ऐसे अलग अलग, मतलब हम लोग एक्सप्रेशन का लेकर उनके बीच में इज इक्वल टू यानी उनके बीच का रिलेशनशिप दिखाते हैं, तो इसी को हम इक्वेशन बोल देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर यही लिखा है कि हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की मदद से रिलेशनशिप दिखाते हैं और इसी को हम इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया कि ये जो इक्वेशंस होते हैं वो हमें मदद करते हैं कॉज एंड इफेक्ट समझने में। आपको पता चलता है कि हाँ, जैसे यहाँ पर अगर ये इक्वेशन है 2x = y, तो आपको पता चलेगा कि ये जो y है अगर मैं इसको चेंज करूँगा तो इसके वजह से इसके अंदर क्या चेंज आएगा, यानी कॉज के वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो आपको पता चलता है। इनके बीच का कनेक्शन आप प्रिडिक्ट कर पाते हो आउटकम को, कि अगर मान लो अभी मैं 2 डालूंगा तो ये आउटकम आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। जैसे मान लो 2 2 = 4 हो रहा है, तो यहाँ पर 4 आंसर आ रहा है, तो अगर मैं इसके 2 के बदले में इसको 4 लिख दूंगा तो अब यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो आप प्रिडिक्ट कर पाओगे आउटकम्स को, एंड जो मॉडल्स होते हैं इकोनॉमिक के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए वो आप बना पाते हो इक्वेशंस की ही मदद से, ठीक है। मैं आपको एक और बार बता देता हूँ इकोनॉमिक मॉडल्स किसे बोला जाता है, हो सकता है काफी लोग कंफ्यूज होंगे क्या होते हैं इकोनॉमिक मॉडल्स। तो देखो, इकोनॉमिक मॉडल का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा जो फिल्म में देखा हो मूवीज में, कि देखो जो कंस्ट्रक्शन में रहते हैं ना इंजीनियर्स होते हैं, तो उन लोग क्या करते हैं, आर्किटेक्चर जो रहते हैं उन लोग क्या करते हैं, मॉडल्स बनाते हैं बिल्डिंग्स का, दिखाने के लिए कि देखो ऐसी हमारी जो आने वाली बिल्डिंग है वो बनने वाली है, ठीक है। तो वैसे ही इकोनॉमिक्स में भी होता है कि इकोनॉमी में कोई भी इवेंट होता है, जैसे आप दिखाना चाहते हो कि आपकी डिमांड कैसे कैसे काम करेगी, तो उस इवेंट को दिखाने के लिए, उस बिहेवियर को दिखाने, इकोनॉमिक बिहेवियर को दिखाने के लिए जब हम किसी तरीके से उसे प्रोजेक्ट करते हैं, मतलब दिखाते हैं, तो उसी को इकोनॉमिक मॉडल बोला जाता है। जैसे अगर ग्राफ में दिखा रहे हैं हम लोग तो उसे भी इकोनॉमिक मॉडल बोला जाएगा, अगर उसे इक्वेशन बनाकर हम दिखा रहे हैं, इसे इक्वेशन बनाकर दिखा रहे तो वो भी एक मॉडल बोला जाएगा, और चाहे तो हम लोग मतलब इसी को हम लोग इक्वेशन मॉडल्स बोलते हैं, इकोनॉमिक मॉडल्स, ठीक है, जो इकोनॉमिक के बिहेवियर्स को दिखाते हैं। तो ये मॉडल्स बनाने में भी जो लगता है वो इक्वेशन लगता है, ठीक है। तो इक्वेशन की मदद से आप मॉडल्स बना पाते हो, तो ये चीज़ बोली गई है। अब देखो, टेक्निकल टर्म में अगर बात करें, कि टेक्निकली अगर बात करें कि इक्वेशन का मतलब क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, तो देखो उसमें मेनली 4 चीज़ें होती है। पहली बात, उसमें 2 एक्सप्रेशंस होते हैं। 2 एक्सप्रेशन क्यों होते हैं, अभी देखो, पहली बात 2 एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है। उसमें कुछ नंबर्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स मतलब नंबर्स होते हैं, कुछ लिटरल्स होते हैं, लिटरल का मतलब होता है अल्फ़ाबेट होते हैं, ABCDXYZ रहता है ना, मतलब कुछ वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद उनको जब हम मिलाकर एक इक्वालिटी का साइन दे देते, यानी इक्वल का साइन दे देते, तो वो अपना एक इक्वेशन बन जाता है। अब कैसे, तो देखो 2 एक्सप्रेशन का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, जैसे 2x + 1 है, मान लो इज इक्वल टू वाई 2y है, ठीक है। जैसे मान लो ये एक इक्वेशन है, तो यहाँ पर ये एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। यहाँ पर कुछ हमने नंबर्स लिए, जैसे 2 नंबर है, ये भी 2 नंबर है, ये 1 भी एक नंबर है, ठीक है। यहाँ पर कुछ हमने नंबर्स भी लिए और कुछ लिटरल्स भी लिए, लिटरल्स का मतलब होता है वेरिएबल, जैसे x इधर y इधर, ठीक है। और जब इन सबको साथ हम लोग एक इक्वालिटी का साइन दे देते तो ये एक इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। अगर इक्वालिटी का साइन नहीं रहेगा
तो ये एक सिर्फ एक्सप्रेशन रहेगा। ओके, तो इक्वालिटी का साइन दे दोगे तो ये एक इक्वेशन बन जाता है, तो इसी को हम लोग इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, टेक्निकल टर्म में यही चीज़ें होती है, दो एक्सप्रेशन, कुछ नंबर्स, कुछ लिटरल्स, एंड जब सबको मिला देंगे और एक इक्वालिटी का साइन दे देंगे तो बन जाता है इक्वेशन। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि जो अपना इक्वेशन हो वो उसके अंदर हर बार जो है ऐसे वेरिएबल्स हो ही, ऐसा भी हो सकता है जैसे 2 + 5 = 7, तो ये जो है ये भी एक इक्वेशन है। यहाँ पर इसे हम मतलब यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है तभी इसे इक्वेशन बोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात है कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि वेरिएबल्स होनी ही चाहिए, और कुछ कुछ ऐसे भी मतलब इक्वेशन रहेंगे जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स ही होते हैं, एक भी नंबर नहीं होता, लेकिन वो उसे भी हम इक्वेशन ही बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो आगे लिखा है कि जो लिटरल इक्वेशंस होते हैं, यानी कि जो ऐसे देखो नॉर्मली दो ही टाइप के इक्वेशन यहाँ पर बोले गए हैं, कि एक इक्वेशन ऐसा हो सकता है जहाँ पर सारे वेरिएबल्स जो है वो मतलब बेसिकली जो इक्वेशन है वो पूरा पूरा वेरिएबल से ही बना हुआ है, यानी लिटरल से ही बना हुआ है, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पर सिर्फ नंबर से ही हुए हो। ठीक है, अब देखो अगर कोई ऐसा इक्वेशन है जो लिटरल इक्वेशन है मतलब वो पूरा वेरिएबल से बना हुआ है, तो ऐसे टाइम पर या तो ऐसा होगा कि सारे के सारे जो रहेंगे वो वेरिएबल्स ही रहेंगे, और या फिर हो सकता है ऐसा कोई वेरिएबल आपके पास होगा आपके इक्वेशन के अंदर जो कि मतलब जिसके अंदर जो है एक ऐसी वेरिएबल है जिसकी वैल्यू आपको पहले से ही पता होगी, जैसे पाई का आपको मालूम रहेगा, पाई की वैल्यू पहले से आपको पता रहती है कितना तो रहता है, मे बी ऐसे 2 कितना रहता है, तो ऐसे जो वेरिएबल्स रहते हैं जिनकी वैल्यू पहले से डिसाइडेड रहती है कि हाँ इनकी वैल्यू इतनी ही रहेगी, तो ऐसे कोई वेरिएबल्स हो सकते हैं उसके अंदर, नहीं तो सारे के नॉर्मली सारे के सारे जो रहते हैं वो वेरिएबल्स ही रहते हैं, नहीं तो अगर कोई बाकी के जो अदरवाइज जो इक्वेशंस रहते हैं वो न्यूमेरिकली रहते हैं, नॉर्मली बाकी सारे जो इक्वेशन रहते हैं वो नॉर्मली न्यूमेरिकली रहते हैं, मतलब उनमें नंबर्स रहते ही है, लेकिन अगर कोई ऐसा है जो पूरा का पूरा है तो उसके अंदर सब रहते हैं, बस कुछ हो सकते हैं जो जिनकी वैल्यू पहले से ही डिटरमाइंड रहती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आगे बोला है कि देखो इट मस्ट बी स्पेसिफाइड विच लेटर ऑफ द इक्वेशन आर टू बी टेकन एज नोन एंड इन विच आर टू बी रिगार्डेड एज नोन अननोन क्वांटिटीज, यानी क्या कि जब भी आप इक्वेशन बनाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपके पास जो नोन क्वांटिटीज़ है, ठीक है, जैसे आप कोई भी इक्वेशन बनाते हो तो आपके पास दो डाटा होती है, दो इन्फॉर्मेशन होती है, एक होती है कि आपको कोई चीज़ पता है, जैसे अगर मैं इनकम कंजप्शन और कंजप्शन फंक्शन का बताऊँ, ठीक है, ये भी एक इक्वेशन है, तो यहाँ पर देखो अगर मान लो आपको आपके पास इनकम की वैल्यू पता है कि हाँ आपकी इनकम 10,000 रुपये है, तो यहाँ पर आपको एक वेरिएबल के बारे में पता है, ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला गया है कि आपको इक्वेशन जो रहेगा उसके अंदर जो भी मतलब वेरिएबल्स रहेंगे उनका अच्छी तरीके से नाम आपको डिसाइड करना है कि किसको कौन सा नाम देने का है, उस हिसाब से कि उनकी मतलब कौन किसकी आपको वैल्यू पता है, जैसे आपको इनकम की वैल्यू पता है तो आपने इसको वाई दिया, और आपको कंजप्शन की वैल्यू नहीं पता, ये आपके अननोन क्वांटिटी है और इसको आपने निकालना है, तो इसके लिए आपने एक सी नाम से आपने इसको वेरिएबल दे दिया। ठीक है, तो जो भी नोन और अननोन क्वांटिटी है दोनों को आपको एक एक जो भी उनके नाम से डिसाइड करने का और उसको दे देने का, एक मतलब वेरिएबल का नाम दे देने का अल्फ़ाबेट में से कोई भी। ठीक है, तो वही बोला गया है कि एज नोन एंड विच आर टू बी रिगार्डेड एज अननोन क्वांटिटी, उनको आप जो है एक लेटर कोई भी दे देना है इक्वेशन के अंदर। अब ये जो यहाँ पर बोला गया कि अननोन जो रहते हैं यूजुअली हम लोग एक्स वाई जी यू वी डब्ल्यू इसी से हम लोग देते हैं, नॉर्मली तो हम लोग एक्स से ही दे देते हैं जो अननोन रहता है, या फिर हम लोग वाई से ज़्यादातर दे देते हैं। ठीक है, ये दोनों से ही ज़्यादा देते हैं और बाकी सारे ये लेटर से भी हम लोग दे देते हैं जो अननोन क्वांटिटीज होते हैं उन वेरिएबल्स को ही लेटर दे देते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द अननोन्स, नाउ नेक्स्ट लिखा है कि देखो अब अगर हम चाहते हैं कि मतलब जैसे अगर मान लो इकोनॉमिक्स के अंदर हम किसी भी बिहेवियर को समझाना चाहते हैं, ठीक है, बिहेवियर मतलब क्या होता है कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे डिमांड एंड सप्लाई का हो गया, कि आप जानना चाहते हो कैसे जो है एक डिमांड जो है वो काम कर रहा है सप्लाई और काम कर रहा है प्राइस के हिसाब से, तो उसे समझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर बोला गया इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन कोई भी बिहेवियर रहता है किसी का भी हो सकता है, वो बिहेवियर इंडिविजुअल का भी हो सकता है, प्रोड्यूसर इंडस्ट्री मतलब जो बिजनेसेस होते हैं उनके भी बिहेवियर हो सकते हैं, इंडस्ट्री का भी हो सकता है, इकोनॉमी एज अ होल भी हो सकता है, तो इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं इसको समझाने के लिए उन लोग मॉडल्स बनाते हैं, एनालिटिकल मॉडल्स बनाते हैं जिनकी मदद से वो जो है इन्हें समझा सके। ठीक है, अब ये जो मॉडल्स रहते हैं ये मतलब बनते कैसे, तो इसके अंदर कुछ इक्वेशंस होते हैं, कुछ सेट ऑफ इक्वेशंस होते हैं जो दिखाते हैं रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स के बीच में, कि हाँ कैसे एक वेरिएबल के अंदर अगर चेंज आ रहा है तो दूसरे वेरिएबल में उसके ऊपर भी चेंज आ जा रहा है। ठीक है, तो वो रिलेशनशिप दिखाते हैं वो इक्वेशन, और उन इक्वेशंस की मदद से इकोनॉमिस्ट जो रहते हैं वो मॉडल्स बनाते हैं इकोनॉमी को कोई भी बिहेवियर को समझाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर आगे लिखा हुआ है देखो कि इक्वेशन जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं ताकि आप लोग कोई भी मतलब बिहेवियर को समझाने के लिए। अब देखो मेन बात रहता है अगर आपको कोई भी इकोनॉमी की कंडीशन को समझानी है,
कोई भी इक्वेशन बनाना है तो इक्वेशन बनाने में ज़्यादा मेहनत लगेगी, क्योंकि एक बार इक्वेशन बन जाती है तो उसको हम लोग आराम से जो है कंप्यूटर की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आफ्टर इक्वेशन हैज़ बीन सेट ऑफ इट्स सॉल्यूशन कैन बी ऑप्टेनेड क्वाइट ऑटोमेटिकली। आज के टाइम पे देखो कंप्यूटर एक आप बस इक्वेशन डालो वो सॉल्व करके आपको दे देगा, ठीक है, जैसे चैट जीपीटी हो गया। तो आप मतलब बेसिकली यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि इक्वेशन बनाना बस मुश्किल रहता है, एक बार बन जाता है तो आपका बाकी सारा काम जो रहता है वो ऑटोमेटिक हो जाता है, आप कंप्यूटर की मदद से बाकी सारे काम कर सकते हो। ओके, तो ये जो डिफ़िकल्टी होती है मतलब कि देखो अगर एक प्रॉब्लम, जैसे अगर हम लोग बात करें इक्वेशन बनाने की, तो हर एक जो इक्वेशन होता है वो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए रहता है। अगर मान लो एक नई प्रॉब्लम आती है इकोनॉमिक के अंदर जिसको आपको समझाना है, तो ऐसे टाइम पर उसके लिए आपको एक नया इक्वेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यही बोला गया है कि देखो डिफिकल्टी सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज सेटिंग अप द इक्वेशन, इक्वेशन को बनाने में प्रॉब्लम ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम आती है, उसको सॉल्व करने में नहीं आती है, ठीक है, क्योंकि एक बार बन जाता है तो सॉल्व कोई भी कर लेगा, कंप्यूटर से भी कर सकते हैं नहीं तो हम मैनुअली भी कर सकते हैं। तो ये जो हर एक जो प्रॉब्लम्स हम आती है, हर एक प्रॉब्लम जो रहती है उसको चाहिए रहता है कि एक नया जो इक्वेशन उसके लिए बनाना पड़ेगा, नया नहीं तो पुराने ही इक्वेशन से रेफरेंस लेकर उन्हें अपडेट करना पड़ेगा ताकि हम जो नई प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करके कर सके। तो ईच न्यू प्रॉब्लम रिक्वायर्स सेटिंग अप सम इक्वेशन इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इकोनॉमिक मतलब बेसिकली इक्वेशन का मीनिंग समझ आ गया हो, इक्वेशन क्या होता है, कि इक्वेशन क्या है, कुछ एक्सप्रेशन रहते हैं जहाँ पर कुछ नंबर कुछ लिटरल्स होते हैं, जहाँ पर अगर हम उनको मिलाकर एक इक्वेलिटी का साइन दे दें तो वह इक्वेशन बन जाते हैं, ठीक है। और मेनली इनका काम क्या रहता है इक्वेशन, तो ये वेरिएबल्स के बीच का जो रिलेशन है वो आपको दिखाते हैं इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की मदद से। ओके, देन यहाँ पर आपको इसका मीनिंग समझ आ गया होगा। अब आगे यहाँ पर बोला गया हाउ टू सेट अप एन इक्वेशन, यानी इक्वेशन हम किस तरीके से बना सकते हैं। इक्वेशन बनाने के मेनली दो स्टेप्स होते हैं, मतलब अगर आप चाहते हो एक इक्वेशन बनाना तो दो ही स्टेप्स होते हैं, ठीक है। इसके आगे बोला गया है कि देखो कंप्यूटराइजेशन टेक्निक प्ले अ क्रूशियल रोल इन एनालाइजिंग इकोनॉमिक मॉडल एंड रियल वर्ल्ड सिनेरियो, ठीक है। मतलब हम लोग कंप्यूटर की मदद से जो है किसी भी इकोनॉमिक सिचुएशन को जो है इकोनॉमिक मॉडल को जो है रियल वर्ल्ड सिनेरियो के हिसाब से जो है एनालाइज कर सकते हैं, मतलब कंप्यूटर के अंदर डाटा डालकर आप देख सकते हो कि अगर हम ये पर्टिकुलर स्टेप लेंगे यानी ये इक्वेशन वेरिएबल में चेंज लाएंगे तो दूसरे में क्या चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन थोड़ा दे रहा है टू फॉर्म एन इक्वेशन। अब अगर हम चाहते हैं फॉर्म बनाना एक इक्वेशन इन मैथमेटिकल फॉर्म अ रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन, यानी जो हमारे पास नोन जो बेसिकली जो वेरिएबल है जो हमारे पास डाटा है उसकी मदद से जो हम अननोन वेरिएबल के बारे में जानना चाहते हैं तो उनके बीच का पहले हमें रिलेशनशिप देखना होगा। एक बार अगर उनके बीच का रिलेशनशिप हमको समझ आ जाएगा कैसे एक दूसरे से वो लोग जुड़े हुए, तब हम एक इक्वेशन आराम से बना सकते हैं, ठीक है। जैसे प्राइस और डिमांड का बात करें तो प्राइस और डिमांड के बीच का जो रिलेशन है वो हमें समझना पड़ेगा कि हाँ प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगा, ठीक है। तो जब ये रिलेशन हमको पता चल जाएगा तो उस हिसाब से फिर हम लोग जो है अपना वो बना सकते हैं इक्वेशन। ओके, अब यहाँ पर देखो आगे लिखा हुआ है कि when started explicitly the problem of setting up the equation is reduced to a word for word statement of the problem in the language of the mathematical symbolism। मतलब क्या बोला गया है कि देखो जब हमें कोई भी इक्वेशन बनाना रहता है तो उसके लिए देखो होता क्या है, पहली बात तो हमारे पास एक अच्छे से क्लियर डाटा होना चाहिए। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है अच्छे से क्लियर, एकदम स्पष्ट डाटा होना चाहिए कि क्या बोलना चाहता है आपका ये रिलेशनशिप में मतलब इक्वेशन में। तो देखो नॉर्मली तो पहली बात देखो अगर हमारे पास कोई डाटा है जो वर्ड्स में, वर्ड्स का मतलब होता है कि लेटर्स के अंदर, जैसे यहाँ पर बोला गया कि देखो जो क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड एक्स जो है वो फंक्शन है किसका, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट का, ठीक है। अब ये जो लेटर्स में लिखा गया इसको हम लोग मतलब मैथमेटिकल सिंबोलिज्म में कैसे करेंगे, मतलब मैथमेटिक्स के हिसाब से कैसे करेंगे, तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे कि जो क्वांटिटी डिमांड है उसको एक वेरिएबल दे देंगे कि QD दे देंगे क्वांटिटी डिमांडेड, एंड उसके बाद हम लोग फंक्शन है किसका, ये प्राइस का है, ठीक है। प्राइस का फंक्शन यानी क्या कि प्राइस चेंज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड भी चेंज हो जाएगी। तो ये यहाँ पर रिलेशनशिप दिखाकर हम ऐसे इक्वेशंस बना सकते हैं। तो देखो अब यहाँ पर स्टेप्स बताए गए हैं कि किस हिसाब से मतलब कौन से स्टेप्स है जिसको फॉलो करके जो है हम अपना इक्वेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर दो स्टेप्स बोले गए। सबसे पहले देखो अगर आपको इक्वेशन बनाना है, जैसे यहाँ पर हम लोग बात किए थे ये क्वांटिटी डिमांडेड वाला इक्वेशन, तो इस इक्वेशन को बनाने के लिए पर सबसे पहले जो भी हमारे पास क्वांटिटीज़ है, जैसे क्वांटिटी डिमांड एंड देन प्राइस की ये जो क्वांटिटी मतलब जो भी नंबर्स हैं हमारे पास, उन नंबर्स को हम एक स्पेशल डेसिग्नेशन दे देते हैं, मतलब कुछ उनको वेरिएबल्स का नाम दे देते हैं, एक लेटर दे देते हैं उनको पकड़ा देते हैं कि हाँ भाई ये तुम्हारा सिम्बॉल है। जैसे क्वांटिटी डिमांड का सिम्बॉल ये है तो प्राइस का सिम्बॉल पी है, ठीक है, एंड फंक्शन का ये, तो सबको मतलब हम एक एक डेजिग्नेशन दे देंगे, मतलब उनको एक लेटर का सिंबल दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोला गया पहली बात तो यही करना है कि जो भी डिजायर्ड क्वांटिटीज है उनको स्पेशल डेजिग्नेशन दे देना है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया फॉर दिस पर्पस हम लोग क्या करेंगे, लिटरल जो सिंबल्स होते हैं मतलब जो लेटर्स होते हैं उनका इस्तेमाल करेंगे, XYZUVWX उनका, एंड
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब हमारे पास ये लेटर्स आ जाएंगे, जैसे यहाँ पर क्यू और क्यू डी और उसके इज इक्वल टू एफ, अपना जो फंक्शन ऑफ प्राइस जो है, ये जब हमारे पास लेटर हम सबको दे देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो सिम्बॉल्स होते हैं उसके साथ में हम लोग जो साइन ऑफ ऑपरेशंस होते हैं, साइन ऑफ ऑपरेशन का मतलब होता है प्लस माइनस, उसके बाद अपना मल्टीप्लाई डिवाइड, ये जो सिम्बॉल्स होते हैं इनका भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये जो साइंस होते हैं, साइन ऑफ ऑपरेशन, इन सबका इस्तेमाल करके, यानी लेटर्स का, ठीक है, लेटर्स का एंड देन ये साइन ऑफ सिम ऑपरेशन का इस्तेमाल करके हम एक इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या कि जैसे अगर मान लो 2x है प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे मान लेते हैं 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, कैसे बनाइए, तो सबसे पहले हमने क्या किया, कुछ स्पेशल डेसिग्नेशन दे दिए इस वेरिएबल को, x हमने ले लिया, एंड देन लेटर इस्तेमाल करने के बाद हमने कुछ साइन ऑफ ऑपरेशन यानी कि ये प्लस का इस्तेमाल कर दिया, देन हमारा ये इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो वी ट्रांसलेट द कंडीशन ऑफ द प्रॉब्लम इनटू मैथमेटिकल लैंग्वेज, यानी जो भी हमारे पास प्रॉब्लम रहती है, जैसे यहाँ पर प्रॉब्लम लेटर में दी थी ना कि हाँ अपने जो क्वांटिटी डिमांड है वो फंक्शन है प्राइस का, क्योंकि प्राइस के हिसाब से वो बदलता रहता है। तो अब ये जो हमारे लेटर में प्रॉब्लम थी उसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में इन इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ वी एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन क्वांटिटीज एंड द अननोन क्वांटिटी, तो इसकी मदद से हम लोग दोनों के बीच में रिलेशन दिखाते हैं कि कैसे हमारा जो ये अननोन क्वांटिटी है जिसके बारे में हमें नहीं पता, और ये जो नोन क्वांटिटी है प्राइस जिसके बारे में हमें पता है, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक पता हो सकता है, ठीक है। तो जो भी हमारे पास एक अननोन क्वांटिटी और एक अननोन क्वांटिटी, इनके बीच का रिलेशनशिप देखकर हम लोग ये इक्वेशन बना सकते हैं, इच सच मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज एन इक्वेशन। तो ऐसे जो भी इक्वेशंस होते हैं उनको हम, मतलब स्टेटमेंट्स होते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट, इन्हें हम इक्वेशन बोलते हैं। अब ये जो इस एट दिस स्टेज वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट द स्पेसिफिक फीचर ऑफ द प्रॉब्लम एट हैंड, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अब एक बार इक्वेशन बन गया, मान लो आपने सारे वेरिएबल्स लगा दिए, सब कुछ हो गया, सिम्बॉल्स भी लगा दिए, प्लस माइनस सब कुछ कर दिया, एंड देन आपका इक्वेशन आपने बना लिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है अब इसे सॉल्व करना है, ठीक है। आप इक्वेशन तो बना ले हुए, बट चेक भी तो करना है, हाँ ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सही में मतलब वर्क कर रहा है कि नहीं। तो अब नेक्स्ट जो स्टेप रहता है इसको सॉल्व करना इक्वेशन का, ठीक है। तो डैट इज़ टू फाइंड वैल्यू ऑफ द जो भी अननोन अपने पास जो क्वांटिटीज़ है, यानी क्या कि आपने इक्वेशन बना दिया क्वांटिटी डिमांड वाला, एंड देन ये आपने बना दिया, ठीक है। अब ये जो है आपने इक्वेशन बना दिया, अभी इस इक्वेशन के हिसाब से अब जो भी आपके पास ये जो अननोन क्वांटिटी है, मान लो आप डिमांड निकालना चाहते हो प्राइस के हिसाब से, तो इस हिसाब से अब आप ये जो इक्वेशन है अब इसके इस्तेमाल करोगे, मतलब अब इसके अंदर जो है वैल्यू पुट करोगे, यानी आप प्राइस की वैल्यू पुट करोगे और चेक करोगे कि जो आपको चाहते हो, यानी जो अननोन वेरिएबल है उसका आंसर आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और एक बार अगर आपको आंसर मिल जाता है तो मतलब आपका इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो आपको यही करना है नेक्स्ट स्टेप में, यही कि हम अब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसके अंदर जो भी हमारा अननोन क्वांटिटी है उसको फाइंड करेंगे, ठीक है। तो द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल प्रोसेस, जहाँ पर हम लोग वही प्लस माइनस डिवाइड सारी चीज़ें करेंगे, प्रोसीजर मतलब जो भी रहता है प्लस माइनस करते करते हमारा जो भी आंसर रहेगा अननोन वेरिएबल का वो निकलेगा, विच इज एन स्ट्रिक्ट अकॉर्डेंस विद द एस्टैब्लिश्ड रूल, जो भी रूल्स है होते हैं प्लस माइनस की, ये सबसे पहले प्लस करो माइनस करो, मतलब जो भी रूल्स रहते हैं मैथ्स के उनको फॉलो करते हुए हम जो है अपना वैल्यू निकालेंगे। एट दिस स्टेज वी नो लॉन्गर हैव टू टेक इनटू अकाउंट द स्पेसिफिक फीचर ऑफ द प्रॉब्लम एट हैंड, ऑल वी हैव टू डू इज मेक यूज ऑफ फर्मली सेट रूल्स एंड टेक्निक्स, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करने का है, बस जो भी रूल्स मैथ्स के हैं उनको फॉलो करते जाना है, एंड देन आपको जो है आपका अननोन वेरिएबल जो है क्वांटिटी है वो मिल जाएगा, और एक बार मिल गया तो यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा कि आपका जो इक्वेशन है वो सही है, एंड देन आपका इक्वेशन तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो यही दो स्टेप्स होते हैं, एंड देन यहाँ पर आपको इक्वेशन का कौन से स्टेप्स होते हैं मैं भी समझ आ गया हूँ, ठीक है। आप इसे ओन वर्ड्स में कैसे लिखोगे, तो बस आपको इतना लिखना रहेगा फर्स्ट स्टेप में कि देखो फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपको इक्वेशन को जो है एक स्पेशल डेजिग्नेशन यानी लेटर्स एंड देन अपना साइन ऑफ ऑपरेशन दे देना है, देन आपका जो है इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगा। एंड दूसरे स्टेप में ये है कि आपको जो है अब इसे सॉल्व करके देखना है इक्वेशन को, आपको जो अननोन वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक बार फाइंड हो गई तो आपका जो इक्वेशन है वो तैयार है, ठीक है। तो देन यहाँ पर आपको मे भी ये समझ आ गया होगा, एंड आज के लेक्चर में बस यही तक देखेंगे, अब नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ इक्वेशन देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख सके, एंड वीडियो को लाइक कर देना ताकि पता चले कि हाँ आप लोगों को वीडियो समझ आ रही है, पसंद आ रही है कि नहीं। तो वीडियो को लाइक करो, अपना फीडबैक दे देना कमेंट सेक्शन के अंदर, जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे, या फिर अगर आप चाहते हो कोई सजेशन देना तो आप लोग देख सकते हो कमेंट सेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हमने नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।